लास्ट लेक्चर में देखा था इंस्ट्रक्शन फ्लो ट्री, उसमें हमने इक्वेशन सॉल्व कर ले कि a इक्वल टू रिलेशन आ गया था r प्लस r2 और a इक्वल टू i प्लस e माइनस a। आप देखिए इस इक्वेशन से आप कह सकते हो कि जो लेंथ है इट इज क्लियर दैट दैट एंगल ऑफ deviation depends upon angle of ग्राफ साहब का देख रहे हो कि जब ये फर्स्ट ईयर देखिए जब एंगल ऑफ डिवीजन है वो लेस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ डिवीजन होता है वो मोर होता है ठीक है। और जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डिवीजन है वो डिक्रीज होता है और जितना डिक्रीज होगा मिनिमम वैल्यू तक ये डिक्रीज होता है। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें हाई नंबर इंक्रीज करेंगे तो डेली वैल्यू इंक्रीज होती है। फर्स्ट देखो आप स्टार्टिंग में देखिए जब हम करते हैं एंगल ऑफ आप देख रहे हो हाई है हाई लेस है तो आप देख रहे हो टेन है वो मोर है और जैसे हम हाई को इंक्रीज करते हैं तो डेली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और एक मिनिमम वैल्यू ओपन करने के बाद में ये अगेन इंक्रीज होगा हाई के साथ क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनी वैल्यू ऑफ डेल एक्सेप्ट डेल मिनिमम को आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप देखिए कि अगर डेल की वन वैल्यू के लिए आप देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस की टू वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की टू वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो रही है क्लियर। देखिए एक रही है आई और एक रही आई ओके हमने बात की इक्वेशन क्या थी आई डेल इक्वल टू आई ई आई प्लस ई माइनस ई। अगर मैं आई और ई को इंटरचेंज कर देता हूँ आई की जगह ई को ई की जगह कर देता हूँ तो भी डेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो आप इसमें कहा था ये था आई और ई का था ई। अगर हम इसको रिवर्स कर दें अगर इसको रिवर्स से इंसिडेंट करें तो ये अगर इमरजेंट को इंसिडेंट बना दें और इंसिडेंट को इमरजेंट रे बना दें तो भी आपकी जो डेल की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी डेल की वैल्यू सेम रहेगी। और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेल एम के लिए तो आई की वैल्यू क्या है ओनली वन है और वो किसकी इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों इसी कंडीशन में आई और ई दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अदरवाइज आप देखोगे कि डेल की वन वैल्यू के लिए हमें आई और आई की हम टू वैल्यूज क्या होंगी ऑब्टेन होगी जिसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा दूसरा एंगल ऑफ
इमरजेंस हो जाएगा। ये अगर आई बने तो ये क्या बन जाएगा ई, अगर इसको ई बनाएंगे वो क्या बन जाएगा आई, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेगी सेम। क्लियर होगी फिगर टू फिगर आफ्टर इज ए फ्लोटेड बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। In the condition of minimum deviation, I equal to E or del equal to the class. Then R1 equal to R2 equal to R. हम R अच्छे से कर लेते हैं same. And reflected ray becomes parallel to the base of plate. Reflected ray है वो base के plate के base के parallel हो जाती है। ray के पास equal क्या है? R plus R2 और d equal क्या है? I plus E minus A। तो देखिए
क्वेश्चन थर्ड सब लेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू क्या जाएगा टू आर 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 इक्वल है आर प्लस आर कितना हो जाएगा टू आर आर इक्वल टू आ जाएगा ए बाई क्वेश्चन नंबर फाइव। Yeah, that's awesome.
साइन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ओके क्लियर। और आपके सोरे में भी दोनों जगह आपको इसका बेनिफिट है। ओके थैंक यू।